हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएएस में। मैं शिवम हाजिर हूँ आप सबके लिए सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट को लेकर। यहाँ पर हम लोग मैथ के मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे, जिनमें से कुछ चुनिंदा सवाल आपके लेकर आया हूँ। आज की जो क्लास होगी वो एलसीएम के संबंध में भी कुछ सवाल आपको लेकर आया हूँ। मतलब पिछली क्लासों में जो भी सवाल हुए, हम लोगों ने खूब सवाल लगाया अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट सवालों का एक टेस्ट सीरीज चल रहा है, एक मॉडल पेपर का सेट चल रहा है, जिनमें से 12 क्लास अब तक हो चुका है। ये जो है ये 13वीं प्रैक्टिस सेट की क्लास है। आज हम लोग मॉडल पेपर को जो सॉल्व करेंगे उनमें भी काफी इंपॉर्टेंट सवालों पे चर्चा होगी। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आपका भी क्या हो हमेशा हित होता रहे और आपको हमेशा कोई भी वीडियो अपलोड हो, कोई भी जानकारी हो, उससे आपसे छूटे ना पाए, ये सबसे पहले दायित्व तो आपका बनता है आगे। और दूसरी बात, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी में कुछ कमी आए तो अपनी क्वालिटी अपने फोन से बढ़ाया कीजिएगा, यहाँ पे सब सही दिख रहा होता है। चलते हैं, शुरुआत करते हैं आज की क्लास का आगाज कीजिएगा, लगाते हैं पहले सवाल को। तो पहला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आएगा, वो क्या होने वाला है। लिखा है कि 4/7 है, कोई एक भिन्न है, कॉमा लगा के लिखेंगे, 16/21 हो जाएगा, 16/21 होगा। फिर अगला जो अंक है वो होगा 8/7 होगा, ठीक। अगला जो है वो है आपका 12/35 होगा, 12/35। इसका करना क्या है, इसका हम सबको करना है इसका लासा निकालना है। इसका क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भिन्न दिया गया है, भिन्न का लासा ज्ञात करना है, और भिन्न का लासा निकालने के बाद यहाँ पर कौन सा सवाल सही होगा, इसका ऑप्शन जो होगा उसका ऑप्शन भी क्या होगा। मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ, 46/7 है पहला ऑप्शन है, 46/7 लिखा जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, फिर अगला है 48/7 हो जाएगा, 48/7 होगा दूसरा ऑप्शन। तीसरे ऑप्शन की अगर आप बात करेंगे तो 56/7 है और 96/7 है, 56/7 होगा और फिर 96/7 होगा। इन यहाँ पे चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होने वाला है, उस सही ऑप्शन का हम लोग यहाँ चुनाव करेंगे और सवाल को हल करेंगे। जानकारी अगर आपको होगी तो आप इस सवाल को लगा भी चुके होंगे अब तक, जब तक मैंने ऑप्शन लिखा है। अगर नहीं लगाए हैं तो आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे क्या करते हैं भिन्न के लासा को निकालने का तरीका में। अगर आपको कोई भिन्न का लासा निकालना हो, क्या होता है फॉर्मूला, भिन्न का लासा बराबर, भिन्न का लासा बराबर क्या होगा, यहाँ पे अंश का लासा निकालते हैं, क्या अंश का जो लासा होगा वो रखेंगे और बटा में क्या होता है हर का क्या होगा मासा होगा, हर का मासा। एक बात यहाँ पे जानकारी के लिए अगर बताऊं तो यहाँ ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हो, फिर क्या जुगाड़ सोचिए, एक सोच ही तो है। अगर क्या कहा गया हो, लासा पूछा हो, तो अंश का लासा निकालेंगे, बाकी हर का मासा निकला करता है। अंश का अगर हमको भिन्न का मासा पूछेगा तो पहले मासा निकालेंगे फिर लासा निकालेंगे, यही बात होता है। लासा पूछा है तो लासा बटा मासा, अरे अंश में क्या होता है, अंश का मान होगा हर में, हर का मान होगा तो भिन्न के रूप का होगा, भिन्न के रूप का बनाएंगे। आसानी से कीजिएगा, करते हैं इसको हल, देखिए अंश का लासा होगा क्या है, 4 है 16 है 8 है 12 है, लासा क्या आएगा देखिएगा आराम से। 4 को 4 ऐसे ले लीजिएगा, 16 का मतलब 4 गुणा 4 हो जाएगा, 8 का मतलब 4 गुणा 2 हो जाएगा और फिर यहाँ पर 12 का मतलब 4 गुणा कितना होगा, 3 होगा। अब यहाँ आप ध्यान देंगे, यहाँ पे 1 4 सभी कॉमन है, 4 लासा में आ जाएगा, गुणा में 3 आ जाएगा, गुणा में क्या होगा 4 आएगा, ठीक। तो 4 जो 16 किया कितना हो जाएगा 48 आएगा, तो यहाँ अंश का जो लासा निकालने में आएगा वो क्या होगा 48 होगा। इसको हम कर लिए हैं, क्लियर हुआ। हर का मासा निकालना, मासा दिखाते हैं यहाँ पे, मासा निकालेंगे 7 है, 21 का मतलब 7 किया 21 हो जाएगा, 7 का मतलब फिर 7 है 35 का मतलब 7 5 35 होगा, जो सब में कॉमन है वो 7 है, 7 ही क्या होगा इन हरों का होगा मासा, तो मासा होगा 7, तो इस भिन्न का जो लासा आएगा वो 48/ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप क्या करोगे, सेकंड की बात करोगे तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा इस सवाल का सही उत्तर होगा। तो ऐसी लगी सवाल, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न जो आपका आएगा वो होगा सेकेंड नंबर के लिए कीजिएगा काम। लासा मासा का बड़ा आसान सा प्रश्न होता है, बस थोड़ा सा हम लोग शिद्दत से समझें और तो काम हो सकता है। दूसरा दिखाऊं, यहाँ पे क्या लिखा गया, 6/21 है, सवाल नंबर 2 है,
छह बटा कितना है, छह बटा इक्कीस में छह बटा दस लिख लीजिए, छह बटा दस लिखा गया है कॉमा। अगला जो है यहाँ पे अंक है तीन बटा पंद्रह हो जाएगा। फिर अगला जो भिन्न दिया जाएगा आपको वो एक बटा बीस होगा छह बटा पैंतीस, एक बटा बीस और छह बटा पैंतीस, ये हमारे पास चार भिन्न है। चारों भिन्नों के लिए क्या करना है हम सबको, यहाँ पर इस सवाल का निकालना है हमको मासा, है ना। इसका क्या निकालेंगे, मासा निकालेंगे, इसका महत्तम महत्तम समाप वर्ग तक निकाला जाएगा, ठीक है। और मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, ऑप्शन आपके पास चार होगा, चार ऑप्शन में पहला जो ऑप्शन आप लिखने वाले हो एक बटा चार सौ बीस हो जाएगा, ठीक। और फिर जो दूसरा ऑप्शन हम लोग लिखेंगे एक बटा आठ सौ चालीस हो जाएगा, एक बटा आठ सौ चालीस होगा। और तीसरा ऑप्शन की अगर मैं बात करूं तो तीसरे ऑप्शन में एक बटा दो सौ दस है, दो सौ दस होगा। और चौथा ऑप्शन जो होने वाला है वो एक बटा चार सौ चालीस है, ठीक। इन चारों ऑप्शन में से हम लोग सवाल को हल करेंगे। आपको क्या निकालना है, मासा निकालना है। मासा का मतलब क्या होता है, मासा का मतलब होगा कि यहाँ पर हम लोग भिन्न का मासा जो निकालेंगे, भिन्न का मासा, महत्तम समाप्त वर्ग है, बराबर क्या होगा यहाँ पे मासा निकालना है, अंश का मासा कर लेंगे, अंश का मासा बटा में हर का क्या होगा, लासा होगा, ठीक है। हर का क्या निकालेंगे, लासा निकाल लेंगे। चलिए करते हैं हल, भिन्न का अंश का मासा, देखिए तीन छह एक और छह का मासा क्या होगा, अब बताओ सबसे छोटी संख्या है, सबसे छोटा यहाँ कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, वो एक होगा, अंश का मासा एक हो जाएगा, हर का लासा निकाल लेते हैं। अब यहाँ देखिए दस का मतलब पांच गुणा दो होगा, पंद्रह का मतलब पांच गुणा तीन होगा, बीस का मतलब पांच गुणा चार, चार का दो गुणा दो लिख सकते हैं, पैंतीस का मतलब पांच गुणा सात होगा। यहाँ पे सबसे कॉमन क्या होगा, पांच होगा, पांच लिखेंगे। यहाँ पे दो है दो हो जाएगा, फिर दो है दो होगा, फिर यहाँ सात है फिर तीन हो जाएगा, इन सब का जो गुणा आएगा वही हमारा मासा होगा। देखिए पांच गुणा दस होगा, दो दो चार पंच बीस हो जाएगा, बीस और सात इक्कीस होगा, बीस गुणा इक्कीस इक्कीस में बयालीस, चार सौ कितना हो जाएगा, बीस हो जाएगा। तो यहाँ पे हर का जो लासा आएगा वो आएगा बीस चार सौ, ना चार सौ बीस मतलब की। तो इसमें जो उत्तर आ रहा है भिन्न का मासा जो आएगा वो एक बटा चार सौ बीस आएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपके सवाल का सही उत्तर होगा। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर तीन पर बढ़ेंगे, उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ रहे हैं, ठीक, और आप अच्छे से इसको समझे हो और किए भी होंगे। आगे अगले सवाल में अगर आपको बात करें, यहाँ पे अगला सवाल मैं लेके आया हूँ संख्या पद्धति से संबंध में सवाल है, उसको मैं आपके सामने यहाँ लिखता हूँ, फिर हम लोग करेंगे सॉल्व यहाँ पे, ठीक है। देखिए कैसे लिखा जाएगा, इससे पहले इसको इरेज कर देते हैं। देखिए वक्त जो है वो कभी किसी के लिए रुकता उठता नहीं है ना, हमको वक्त के साथ काम करना पड़ता है, इसलिए आपके पास वक्त थोड़ा कम जरूर है, इसलिए बड़ी शिद्दत से काम करते चलिए। यहाँ पर इस क्लास में हम लोगों ने मतलब कई क्लास की आप टेस्ट सीरीज भी चला रहे हैं, प्रैक्टिस से सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे आपके लिए मॉडल पेपर जैसा मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, इन सब में जितना सवाल लगाया जा रहा है, अगर आप सभी सवाल में सभी क्लास में अटेम्प्ट रहे होंगे, सभी क्लास को लिए होंगे शिद्दत से, आपको मतलब कह सकता हूँ कि आपको मैथ में कोई बिगाड़ नहीं सकता सीआईटी सेंटेंस एग्जाम के लिए। जितना प्रश्न आएगा आपके लिए लगभग आपसे मिलता जुलता है, ऐसा लगेगा कि ये प्रश्न पढ़ा गया है, हो सकता है डिजिट चेंज हो जाए, तरीका थोड़ा सा बदल जाएगा, लेकिन रहेगा इन्हीं से संबंध में। चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न नंबर तीन होगा जो कि कुछ ऐसा होगा, इसको भी देख लीजिए, हो सकता है ये भी मतलब कि इम्पोर्टेंट बन सकता है आपके लिए, फिर आप सीखना हमारे लिए पहली बात होगी। तो यहाँ पे जब किसी संख्या से लिखा है, जब किसी संख्या से क्या हो रहा है, संख्या से 32 घटाया जाता है, 32 घटाया जाता है, 32 घटाया जाता है तो क्या हो जाएगा, फिर वह अपनी वह घटकर अपनी 60% हो जाती है, तो वह अपनी 60% हो जाती है, ठीक हो जाती है, ये क्या कहा गया सवाल में बात कही गई है। तब क्या निकालना है, तो संख्या ज्ञात करना है, तो संख्या का मान निकालना है आपको,
जब किसी संख्या से क्या करते हैं 32 घटाया जाता है तो क्या हो रहा है, वह अपनी क्या हो जाती है 60% हो जाती है, अपनी संख्या की वो संख्या खुद की 60% हो जाती है। तो क्या निकालना है आपको, संख्या का मान निकालना है। चलिए ऑप्शन आपके लिए लिख रहा हूँ, ऑप्शन नंबर जैसे फर्स्ट जो होगा इस संख्या में आपके पास होगा, पहला ऑप्शन में लिख रहा हूँ 70 हो जाएगा मान लीजिए, हो सकता है क्या हो जाए 80 हो जाए, और क्या होगा 60, और क्या कर देंगे 50। यहाँ पे चार ऑप्शन बता रहे हैं, चारों में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। चलिए करते हैं सवाल को हल। क्या कराया जाएगा, किसी संख्या से 32 घटाते हैं, संख्या क्या मानेंगे, मान लेंगे संख्या क्या होगी x होगी, x में क्या घटाना है 32 घटाना है, घटा दिए तो उसका मान क्या जाता है अपनी संख्या माने कि x का कितना हो जाएगा 60%, 60 बटा क्या लगा देंगे 100 हो जाएगा। तो हल कीजिए, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें क्या होगा, 2 × 3 = 6, 2 × 5 = 10 हो जाएगा। क्या होगा x यहाँ पे माइनस में 32 है बराबर में, यहाँ 3 × 3 x होगा बटा में आप क्या कर देंगे 5, 3x/5 को बाएं ओर लाएंगे, x माइनस 3x/5 होगा बराबर है 32 को पीछे भेजेंगे प्लस में 32 हो जाएगा, 75 करा गया है, 5 × 5x, 5x में 3x घटाएंगे 2x/5 कितना होगा 5 होगा बराबर क्या होगा 32 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, 5 से तिरछा गुणा करेंगे 2x बराबर क्या होगा 5 × 10 होगा, 5 × 15 = 1660 होगा, x बराबर कितना होगा 160/2 होगा, गुणा में भाग में जाएगा, x का मान जो पाओगे वो पाओगे 80। इसका मतलब आपके सवाल का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड जो कि 80 लिखा है। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आई होगी। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न नंबर 4 होगा। देखिए 4 नंबर आपके लिए क्या लेकर आया है वो समझते हैं। चौथा प्रश्न जो होगा आपका सत्ता से है, यहाँ पे सत्ता का जो प्रश्न है वो मैं लिख रहा हूँ आपके लिए। लिखा है कि सुभाष अपने मासिक वेतन का, कोई नाम है सुभाष और जो भी क्या कर रहा है अपने मासिक वेतन का, अपने मासिक वेतन का कितना परसेंट, यहाँ पर कह रहे हैं 20% भोजन पर, 20% भोजन पर, और फिर शेष का जो भी बचता है उसके बाद उस शेष का यहाँ पर 12% वस्त्र पर, शेष का 12% क्या होता है वस्त्र पर, फिर जो शेष होता है उस शेष का क्या कह रहे हैं, शेष का 25%, शेष का 25% जो होता है वो अन्य जगह पर खर्च करते हैं ना, अन्य यहाँ पर लिख रहे हैं लोग कि अन्य मदों पर खर्च करता है। मदों पर खर्च करता है, तो कह रहे हैं उसका तब भी उसके बाद क्या होता है, उसके बाद भी वो क्या कर रहा है 528 रुपए बचा लेता है, करता है फिर भी 528 रुपए बचा लेता है। तो क्या निकालना है, मासिक वेतन निकालना है इसका, तो मासिक वेतन निकालना है। ठीक है, यहाँ पे मासिक वेतन निकालना है, मैं विकल्प लिख देता हूँ फिर सवाल को अच्छे से समझा के हम लोग काम करेंगे। क्या हो जाएगा, मासिक वेतन आपका जो होगा एक है, पहला ऑप्शन 1000 रुपया था, फिर 1050 लिखा गया है, और अगला है 1200 रुपया है, फिर यहाँ पे 1500 है, ये चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन के लिए आप काम करेंगे। ठीक है, कितना है 20%, 12% और 25% है, समझते हैं। सुभाष अपने मासिक वेतन का 20% भोजन पर, शेष 12% वस्त्र पर, और फिर जो बचता है उसका 25% अन्य मदों पर खर्च करता है, इसके बाद भी 528 रुपये बच रहा है। यहाँ पर मासिक वेतन निकालना है। देखिए इसलिए कि दो सवाल होते हैं, एक सवाल ऐसा होता है जिसमें शेष का नहीं कहते हैं, डायरेक्टली क्या होगा मासिक वेतन का 20% भोजन पर, 20% 12 वस्त्र पर, 25 अन्य जगह पर, उसके अलावा क्या होगा वहां शेष नहीं होगा। अगर शेष कह रहे हैं उसकी सवाल कैसे लगाते हैं ये देखिएगा, अगली सवाल बताएंगे जिसमें शेष की बात नहीं कहे होंगे
वो भी लगा के बताने वाला हूँ। फिलहाल इसमें करेंगे शेष, अगर जब भी ऐसी बात आएगी हम लोग लिखेंगे मासिक वेतन का फॉर्मूला। मासिक वेतन बराबर क्या होगा, फॉर्मूला लगाइए क्या होगा, 100 बटा में 100 माइनस क्या होगा पहला प्रतिशत कितना है 20 होगा, गुणा में 100 बटा में 100 माइनस दूसरा प्रतिशत कितना लिखा गया है 12 होगा, गुणा में 100 बटा में 100 माइनस कितना होगा तीसरा प्रतिशत आपके पास 25 है, गुणा में क्या होगा बचत, कितना बचा रहा 528 रुपया बचा रहा है। ये काम करेंगे, इसको आप हल करेंगे, हल करने के बाद जो कुछ भी आएगा वो आपका मासिक वेतन दे देगा। चलिए करते शुरुआत, 100 होगा बटा में 100 में से 20 घटाएंगे तो 80 आ जाएगा, गुणा में 100 बटा में क्या होगा यहाँ पर 12 घटाएंगे क्या आ जाएगा यहाँ पर आप कहोगे 88 हो जाएगा, गुणा में यहाँ पे कितना है 100 बटा में कितना होगा 75 होगा, गुणा में 528 आप कर दीजिएगा। हल करते शुरुआत करेंगे, देखिए 1 0 से 0 काट देंगे या आसानी से कट जाएगा, 25 3 75 होगा, 25 100 चार बार जाएगा, 4 से काटेंगे 22 88 हो जाएगा, इतना हो चुका है ना। आगे कुछ और करते, इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 का 25 100 होगा और फिर 25 से कितनी बार जाएगा, 4 का 25 बार जाएगा, 4 2 8 2 बार जाएगा, 2 से कटेगा 2 5 10। हर को मैंने पूरी तरह समाप्त किया है, अभी 2 हर बचा हुआ है। यहाँ पे आगे काम करें, इसको 3 से काटेंगे, 30 जाएगा 3 1 3 2 5 22 3 7 21 21 1 22 3 6 18 इतना हो गया है, 22 को 20 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, देखिए 22 का कितनी बार जाएगा 3 6 4 6 2 9 यहाँ आएगा 8 2 16 8 2 16 17 8 बार जाएगा, 22 176 हो जाएगा। ऊपर क्या बचा है 25 है, यहाँ 5 25 है, 5 है और 8 है, तो 25 8 200 2 5 6 क्या होगा 1000, मतलब क्या होगा 1000 आएगा। तो सवाल का जो उत्तर आएगा वो 1000 आएगा, गुणा भाग पर सिद्धांत से सही से करोगे जल्दी उत्तर मिल जाएगा, नहीं तो गलतियां हो जाती है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो होगा फर्स्ट आपके सवाल का सही उत्तर होगा इसमें, इसका मतलब सुभाष की मासिक वेतन क्या थी 1000 रुपया थी। ये लगे सवाल, कभी भी अगर जब शेष की बात कर देंगे तब क्या करेंगे आप 100 में से आपको सभी भेद को घटाते जाएंगे क्रम क्रम से, सभी क्रम से घटाएंगे, गुणा में बचत लिख के लगाइएगा, 100% सवाल सही होगी, किसी भी हाल में गलत नहीं होने वाली है। और अगर इसी सवाल में अगर दूसरी बात जो मैं कह रहा था, अगर शेष का जिक्र ना करा गया होगा तब क्या करेंगे आप इसको सीख लीजिए यहीं पर, अगले सवाल की क्या बात करें हम लोग ना। अगर मान लीजिए हम भोजन पर ना हो क्या हो जाए, शेष की बात अब काट दें, ठीक है, थोड़ा सा टेंशन कर रहा हूँ, नंबर नहीं मतलब आपको कौन सा क्वेश्चन नंबर है आप देखेंगे बस के बाद। क्या होता है सुभाष अपनी मासिक वेतन का 20% भोजन पर, 12% वस्त्र पर और 25% अन्य बलों पर खर्च करता है, तो उसका क्या करेंगे 528 बचा लेता है, तब यहाँ पे मासिक वेतन निकालना होगा, तब क्या कीजिएगा एक बार में 100 बटा 100 में से क्या घटाएंगे इन सबको जोड़ेंगे, 20 और 10 30 तो 32 होगा, 32 और 25 जोड़ लीजिएगा, 32 और 25 जब जोड़ोगे तो कितना आएगा 5 2 7 हो जाएगा और फिर 3 2 5 मतलब 57 होगा। 100 में से क्या करेंगे सभी के प्रतिशतताओं को जोड़कर घटा लीजिए, गुणा में क्या होगा आपका यहाँ 528 होगा। फिलहाल ये जो सवाल लिखी गई थी जो ऑप्शन था वो अलग सवाल के लिए था, तो ऑप्शन तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन सवाल का तरीका यही सीखेंगे, जब आपको शेष का जिक्र ना करें हो 20% भोजन पर, 12% वस्त्र पर, 25% अन्य जगह खर्च करते हैं तो, और बचाने की बात बचत भी दिया गया होगा, उसके बाद आपको मासिक वेतन निकालना है, उस दौरान आप क्या करेंगे आप सभी खर्चों का जो भी खर्चा हो रहा है उस सभी प्रतिशतताओं को जोड़कर एक बार में 100 को घटाएंगे, क्योंकि एक ही वेतन से क्या हो रहा है एक ही बार में सबका प्रतिशत दिया गया, इसलिए शेष की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ, उसका जिक्र भी नहीं करेंगे, ये लगी ऐसे सवालों को लगाएंगे। फिलहाल हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, तो अगला प्रश्न देखिएगा आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं, ये कुछ ऐसा होने वाला है कि देखिए आपके लिए ये जो प्रश्न है वो प्रॉफिट एंड लॉस का है, लाभ एवं हानि की सवाल है, ठीक है, तो वो यहाँ पे देखने वाले हैं लाभ हानि में क्या होगी सवाल, लाभ हानि के वो कुछ अलग ही स्टैंडर्ड पे जाके लगा रहा हूँ इसको, थोड़ा अलग ही लेवल का, बहुत छोटी मोटी बातें नहीं, इसे लाभ निकालना हानि निकालना प्रतिशत लाभ हानि निकालना ये आसान चीज होता है, इसको करना बहुत अच्छी बात है, आसानी से कर सकते हैं, लेकिन जो अभी सवाल लगाने वाला हूँ इसको करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगता है, वो मैं करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। फिलहाल लिखूं प्रश्न, तो यहाँ पे कोई नाम लिखा है चंद्रा की बात कर रहा हूँ, ये कोई नाम है चंद्रा है, तो चंद्रा ने क्या किया, चंद्रा ने कुछ खरीदा है, क्या खरीदा है चंद्रा, चंद्रा ने 10% लाभ पर
10% लाभ पर क्या हो रहा है? लाभ पर एक गाय को, एक गाय को किसी अन्य व्यक्ति कह रहे हैं कि अरुण को दिया, अरुण को दिया, ठीक। और फिर उसके बाद क्या हो रहा है? जिसने 5% हानि पर चंदन को दिया, जिसने 5% हानि पर, जिसने 5% हानि पर क्या हो रहा है? हानि पर चंदन को दिया। यहाँ नाम का कोई जिक्र नहीं होना चाहिए, नाम है तो किसी का भी नाम आ सकता है, ऐसा कोई मैटर ना होगा कि यहाँ पे नाम उसने चंदन को दिया, ठीक है। तथा चंदन ने 20% लाभ पर मोहन को बेच दिया, चंदन को पर चंदन को दिया, तथा 20% लाभ पर चंदन ने किसको? मोहन को बेच दिया। ठीक, ये हुई सवाल। और फिर और मोहन ने गाय को कितने में खरीदा था? 1240 में मोहन ने गाय को 12,540 रुपए में खरीदा। तो निकालना क्या है आपके पास? सेंटेंस को लिख लो, बताता हूँ। तो चंद्रा उसे कितने में खरीदा था? तो चंद्रा उसे कितने में खरीदा? यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? शुरुआत का क्रय मूल्य निकालना है। सवाल कुछ इस प्रकार है कि चंद्रा ने 10% लाभ पर एक गाय को अरुण को दिया, ठीक है, एक गाय को अरुण को दिया, जिसने 5% हानि पर चंद्रा को दिया, तथा 20% पर चंद्रा ने चंदन उसने क्या अरुण ने चंदन को दिया है और मोहन को ऐसा कुछ दिया गया। देखो फिर से समझते हैं बात को, सवाल में थोड़ा सा है, कई लोग का लेन देन है आपस में, उनसे उसे क्या मतलब है। तो चंद्रा ने 10% लाभ पर बेचा है शुरुआत में, अरुण ने क्या किया 5% हानि पर दिया है, ठीक है, और फिर 20% हानि पर, यहाँ 20% लाभ पर ना, यहाँ 20% लाभ पर क्या हुआ है? यहाँ लाभ पर 20% लाभ हुआ था, मैं बोला कि लिखा नहीं, 20% लाभ पर क्या हो जाएगा? उसने चंदन में मोहन को दिया था, मैं लिखता हूँ सेंटेंस को, 20% लाभ पर हुआ था, ठीक है। चंदन ने मोहन को बेच दिया था, फिर मोहन ने गाय को 1250 रुपए खरीदा, तो चंदन कितने रुपए में बेच खरीदा था? आपको सबसे पहले सवाल का बेसिक समझाता हूँ। किसी वस्तु का शुरुआती में प्रारंभिक रूप में क्रय मूल्य निकालना होगा और अंतिम का विक्रय मूल्य आपको दिया गया होगा। अंतिम का विक्रय मूल्य दिया गया होगा, शुरुआत का क्रय मूल्य निकाला गया होगा। इस दौरान में 3-4 लोग आपस में लाभ हानि कमाकर बेच रहे होंगे, जी यहाँ पे बात हुआ करती है। इस टाइप के सवाल में कैसा फॉर्मूला लगाएंगे, उसी फॉर्मूले पे मैं आपके साथ जिक्र करने वाला हूँ। क्या हो पाएगा आप देखिएगा। जैसे क्या होगा, अगर लाभ होगा तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे, लाभ होगा तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, हानि होगा तो क्या होगा हम लोग माइनस का चिन्ह लगाएंगे। ये इतना सा काम होता है। तो करें शुरुआत, तो यहाँ पे क्रय मूल्य निकालेंगे। प्रारंभिक का जो क्रय मूल्य था वो कितना होगा बराबर में, यहाँ पे 100/100 लाभ हो रहा है, प्लस में क्या लेंगे 10 गुणा में 100/100 यहाँ पे हानि हो रहा है, माइनस करेंगे गुणा में 100/100 यहाँ पे लाभ हो रहा है, प्लस में 20 कर देंगे गुणा में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका विक्रय मूल्य लास्ट में था 12,540 हो जाएगा, 12,540 होगा। ये सवाल है, इस सवाल के लिए हम लोग काम करेंगे। देखिए हल करके लाते हैं सवाल का हल, करते हैं हल इस सवाल को। देखिएगा यहाँ पे 100 है बटा में 100 और 10 का मतलब क्या होगा, 110 हो जाएगा, ठीक, गुणा में यहाँ 100 होगा बटा में, यहाँ पे 100 में से 5 घटाओगे इक्वल 95 आएगा, गुणा में क्या होगा, यहाँ 100 है बटा में 100 प्लस 20 का मतलब 120 होगा, गुणा में 12,540 हो जाएगा। क्लियर हुआ ना?
एक जो जो काट सकते हैं यहाँ से ये गायब हो जाएगा। फिर से क्या होगा, पांच से काटेंगे दो बार जाएगा, पांच से काटेंगे बचे पंचानवे आ जाएगा, दो से काटेंगे दो छह बार छह बार जाएगा, और थोड़ा छोटा कर देंगे तो तीन छह दो पंच दस पांच बार जाएगा। ठीक, अब इसको थोड़ा थोड़ा करके काटते हैं, ग्यारह से काटेंगे तो ग्यारह एक कम ग्यारह एक बारह पंद्रह, ग्यारह कम ग्यारह चार, ग्यारह सौ चौवालीस होगा जीरो आ जाएगा। तीन से काटेंगे कितनी बार जाएगा, तीन एक कम तीन तीन नौ होगा, दो ग्यारह चौबीस, तीन अठारह चौबीस जीरो हो जाएगा। उन्नीस पर उन्नीस दोनों अड़तीस बीस बार जाएगा। अब देखिए बीस यहाँ पर है, पांच यहाँ पर है, सौ है, बीस पंचे कितना होगा सौ होगा, डबल जीरो में लगा देंगे, इसका मतलब क्या आएगा दस हजार आएगा। दस हजार ही क्या है आपके सवाल का सही उत्तर होगा। इसका मतलब क्या होगा, शुरुआत में चंद्रा ने दस हजार रुपए में गाय को खरीदा था। फिलहाल कुछ ये थी क्लास दोस्तों, उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आई होगी। आज की क्लास में कुछ इतना ही, मिलेंगे आपको नए सवालों के साथ नई क्लास में। वीडियो बने रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।